नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में, जिसकी आज 32वीं प्रस्तुति है। 31 प्रस्तुतियां हम दे चुके हैं और आज की 32वीं प्रस्तुति में हमारे सामने मुंबई से जुड़ रही हैं प्रिया सक्सेना, यानी प्रियसी। प्रियसी जो हैं वो आज हमारे सामने गायन की प्रस्तुति देने वाली हैं। कुछ अच्छे मधुर सुमधुर नगमे, फिल्मी गीत वो आपको सुनाएंगी, कुछ गैर फिल्मी गीत आपको सुनने को मिलेंगे, कुछ और गजल भजन भी आपको सुनने को मिलेंगे। इससे पहले कि मैं प्रियसी का परिचय आपको दूं, आप जानते हैं हम स्वर संस्कार महफिल में है इस समय। स्वर संस्कार महफिल जो स्वर संस्कार पेज पे होती है प्रतिदिन रात को 8:20 पर, और स्वर संस्कार पेज जिसपे प्रतिदिन स्वरों का अभ्यास होता है जो निरंतर पिछले 42 दिनों से चल रहा है। हमारे साथ न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से कई लोग, कई स्वरों के साधक, स्वरों के प्रेमी, संगीत प्रेमी हमारे साथ जुड़ते हैं, स्वरों का अभ्यास करते हैं सुबह 8 बजे लाइव। हमारे आदरणीय गुरु श्री संजय देवले जी जो सुबह रियाज कराते हैं, स्वरों का अभ्यास कराते हैं लाइव, उस वो करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। 200 लोग करीबन लाइव में हमारे साथ होते हैं, और कितनी आनंद की बात है कि हम इस मुश्किल घड़ी में भी स्वरों की ये गंगा बहा रहे हैं और इस तरह स्वरों का आनंद लेते हुए अपने दिन इसी तरह धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। और शाम को भी हम शाम को भी हम जो है स्वर संस्कार पेज पर रियाज रखते हैं। 5 बजे वॉच पार्टी के द्वारा रियाज होता है, जो गुरु जी का ही, संजय देवले जी का ही शाम का रियाज, सायंकालीन रियाज जो है उसके वीडियो हम वॉच पार्टी में पोस्ट करते हैं। तो प्रतिदिन शाम को 5 बजे भी रियाज होता है जिसमें कई सारे लोग जुड़ते हैं, और इसी तरह आप जुड़ते रहिए, स्वरों का रियाज करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, संगीत घर घर तक पहुंचाते रहिए। तो आज हमारी महफिल में जो कलाकार हैं, जो गायिका हैं प्रस्तुति देने के लिए, जो बंबई से हमारे साथ हैं, उनका नाम है प्रियसी, जिन्होंने करीब 12 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है। उनके गुरु परम आदरणीय श्री संजय देवले जी ही हैं, उनसे उन्होंने परंपरागत तरीके से शास्त्रीय संगीत सीखा है। करीब 10 साल से ऊपर हो गया है उन्हें संगीत की प्रस्तुतियां देते हुए, साथ ही संगीत सिखाते हुए बच्चों को, और इस समय वो मुंबई में रहती हैं, वैसे ग्वालियर से हैं। उसके साथ साथ वह कई सारे मंचों पर प्रस्तुति देती हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस करती हैं, और कई जगह उन्होंने पार्श्व गायन भी किया है। कुछ शोज में उन्होंने गाया है, कुछ फिल्म्स के लिए उन्होंने गाया है, और कई जगह भारत के कई देशों में प्रस्तुतियां, कई शहरों में भारत की, माफ कीजिएगा, प्रस्तुति दे चुकी हैं। उसके अलावा उनका जी म्यूजिक कंपनी से अभी हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है आसमान, आप वो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, और स्टार प्लस के जो नमा शो है उसका उन्होंने टाइटल ट्रैक गाया है। इस तरह की और कई सारी जो है उनकी उनकी प्रस्तुतियां हैं जो आप देख सकते हैं, जो आपने सुना होगा जरूर। तो बाकी बम्बई में वो बहुत यहाँ पर भी प्रस्तुति देती रहती हैं, षणमुखानंद ऑडिटोरियम में, कुतुब फेस्टिवल में, मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे के समारोह में, कई समारोह में प्रस्तुतियां देती हैं। तो वो हमारे बीच आज मौजूद हैं और कुछ बेहतरीन गाने हमको सुनने को मिलेंगे उनसे। और इससे पहले कि मैं प्रियसी को बुलाऊं, मैं कल की जो हमारी कलाकार हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कल हमारे साथ, हमारे बीच होंगी अंकिता जोशी। अंकिता जोशी जो हैं वो शास्त्रीय गायन हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी, और अंकिता जोशी कई लोग आपने आप में से कई लोगों ने शायद उनका नाम सुना होगा। उभरती हुई बहुत बेहतरीन शास्त्रीय गायिका हैं और शास्त्रीय संगीत पे अच्छी, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। वो कल हमारे सामने प्रस्तुत होंगी और हमारे सामने जो है प्रस्तुति देंगी। पंडित जसराज जो है हमारे देश के बहुत बड़े जाने माने शास्त्रीय गायक, पंडित जसराज की शिष्या हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि गायन जो है वो उनका आला दर्जे का होगा जो आपको कल सुनने को मिलेगा। तो कल हम अंकिता जोशी जी का गायन सुनेंगे। उससे पहले आज हमारे सामने हैं प्रियसी जो मुंबई से हमारे सामने गायन प्रस्तुत करने वाली हैं, और प्रियसी को बुलाने से पहले वही हमारी कुछ बातें मैं आपके साथ कर दूं कि स्वर संस्कार पेज पर तो आप हैं ही, यहाँ पे आपने लाइक किया हुआ है, आप और लोगों को भी जोड़िए, उन लोगों को बोलिए पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि ये संगीत घर घर पहुंचे। उसी के साथ स्वर संस्कार का यूट्यूब चैनल है जिसपे जितने भी कलाकार हमारे यहाँ प्रस्तुति देते हैं, स्वर संस्कार महफिल की जितनी भी प्रस्तुतियां होती हैं वो सारी प्रस्तुतियां हम स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। तो वहां पर आप सारे कलाकारों की प्रस्तुतियां देख सकते हैं, संगीत का, काव्य का,
साहित्य का, अलग अलग विधाओं का आप आनंद ले सकते हैं, अलग अलग कलाकारों की प्रस्तुतियां देख सकते हैं। तो स्वर संस्कार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही स्वर संस्कार के YouTube चैनल से गुरुजी लाइव स्वर अभ्यास कराने वाले हैं। जो सायंकालीन हमारी सभा है, सायंकालीन जो हमारा रियाज का सत्र है, वो हम YouTube से बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो YouTube चैनल को स्वर संस्कार की सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप वहां पर भी जुड़ें और स्वरों का रियाज कर सकें। और इसी तरह लोगों को जोड़ते रहिए, संगीत सुनते रहिए, संगीत का रियाज करते रहिए, और संगीत लोगों तक तो पहुंचाते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो अब मैं बिना कोई देर किए प्रियसी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। प्रियसी 2 से 3 मिनट के अंतराल पे आपसे जुड़ेंगी, मेरा वीडियो समाप्त होगा और उसके बाद उनका वीडियो उनका वीडियो शुरू होगा। तो कहीं जाइएगा मत, लोगों को जोड़िए, इस वीडियो को वॉच पार्टी में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी प्रियसी का जो गायन है, जो उनकी प्रस्तुति है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, उनका उनका हौसला बढ़ाइए और प्रोत्साहन दीजिए। तो जुड़ते हैं प्रियसी से 2 से 3 मिनट के अंतराल पर और सुनिए बेहतरीन गायन। मैं आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, हेलो, हेलो एवरीवन। मैं कुछ शुरू में 2-3 लाइनें गा रही हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और तानपुरी की आवाज़ वॉल्यूम सब ठीक है। तो फिर हम आगे शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू एवरीवन। आई होप मेरी आवाज ठीक आ रही है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला गाना जो मैं गाने वाली हूँ, वो हम उसे प्रेयर कह सकते हैं। गुरु जी बोल रहे हैं तानपुरा बढ़ाओ। अभी ठीक है तानपुरी की आवाज? अभी मैं जो गाना गाने वाली हूँ उसे हम प्रेयर कह सकते हैं, भजन कह सकते हैं, पेट्रियोटिक गीत भी कह सकते हैं। मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, ए आर रहमान सर ने कंपोज किया है और जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। तो प्रस्तुत है। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां
फॉर ऑल द ब्यूटिफुल कमेंट्स. Thank you so much. अगला गाना मैं एक रिक्वेस्ट आई थी उसमें से गा रही हूँ. मैं कोशिश करूँगी रिक्वेस्ट में से जो भी गाने मुझे आते होंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें गाने का. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. अभी ठीक है आवाज़ तानपुरा मैंने बढ़ाया गुरुजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं अपने कुछ पसंदीदा गाने आज प्रस्तुत कर रही हूँ. आई होप आप सबको मज़ा आ रहा है. अगला गाना मैं जो गा रही हूँ वो MM करीम साहब ने कंपोज किया है. नया गाना है. मैं कोशिश कर रही हूँ नए पुराने सभी तरह के गाने गा पाऊँ.
क्यों तू बांधे मन से मन के धागे, कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे, बस चले अगर मुझसे मोहब्बत है। हाँ जी, मैं बिल्कुल गाऊंगी उसे, बहुत अच्छा गाना है। अभी मैं जो गा रही हूँ वो एक गज़ल है, फिल्म ही गज़ल ही है, जिसे आशा जी ने गाया है। लग जा गले। हाँ जी बिल्कुल।
बंगाली गाना ठीक है, सुनाती हूँ। मुझे स्केल नहीं याद है इसका। जीवना
बंगाली बहुत अच्छे से नहीं आती है, मैंने बस ट्राई किया तो कुछ मिस्टेक हुई हो तो आई एम सॉरी। ओके अभी मैं कुछ रिक्वेस्ट ले लेती हूँ। कितना टाइम है मेरे पास अभी और? एक अंतरा गा देती हूँ लज्जा गले का। रस्मे उल्फत गुरु जी अच्छे से नहीं आता क्या जाने सजन। घड़ियां नसीब
फिर इस जन्म स्टार्टिंग का मुखड़ा याद है गुरुजी, वो सुना देती हूँ। हाँ, इसकी अभी जो मैं गाना गा रही हूँ ये ओरिजिनल सॉन्ग है और इसके लिरिक्स हमारे वीर सागर जी ने लिखे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर लिखा है ये गीत सागर जी ने। अब आई थिंक बस एक दो गाने और गाने का टाइम है तो मैं
ज़्यादातर रिक्वेस्ट वाले गाने ही गा रही हूँ, तो मुझे जितने याद है मैं उतना गा पा रही हूँ। अब मैं अपनी लिस्ट में से एक गाना गा देती हूँ। Thank you.
आई थिंक अभी टाइम हो गया है, मैं बस एक आखिरी गाना गा के ख़त्म कर सकती हूँ ये सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द कमेंट्स. प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि ओके ओके लास्ट टू सॉन्ग्स आई थिंक. थैंक यू सो मच एवरीवन. बस ये मैं एक आखिरी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ. मदर्स डे आने वाला है तो मैं अपनी माँ के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ और वो देख भी रही हैं, कमेंट भी कर रही हैं. सब
लोग स्वस्थ रहें और ठीक रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.